उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन भी खत्म हो गया है, जिससे अस्पताल प्रशासन ने मरीजों के इलाज करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में मरीज के परिजनों में काफी रोष देखा गया। ऐसा ही ताजा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज से सामने आया है, जहां पर प्रतापगढ़ में तैनात इंस्पेक्टर जुल्फिकार की मां 18 अप्रैल से स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती थी। देर रात उनकी मौत हो गई, जिससे नाराज इंस्पेक्टर और उनके 3 भाइयों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन पर हमला कर दिया, जिससे डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जो है तो वृद्ध महिला थी और 4-5 दिन पहले उनकी जो है तो हॉस्पिटल तबीयत खराब हुई थी, हम लोगों ने यहाँ एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद उनका कोई दवा इलाज ये लोग नहीं कर रहे थे, बस केवल खाना पूर्ति कर रहे थे। जब भी हम लोग स्टाफ नर्स या डॉक्टरों को बुलाते थे, दुर्कार के भगा देते थे, जैसे लगता है कि इंसान नहीं किसी जानवर का इलाज कर रहे हैं। आज मेरी माँ की तबीयत अचानक सडनली बहुत ख़राब हो गई। मैं रोते हुए गया और मेरे पिताजी भी नहीं हैं, और हमने उनको बोला भी कि हमारी सरकार मरीजों के लिए, कोविड पेशेंट के लिए इतना सब कुछ कर रही है और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए, माननीय योगी जी ने भी कई बार जो है तो समीक्षा की है कि सारे स्वास्थ्य सेवाएँ जो है तो निःशुल्क मिले और अच्छे से मिलती रहे, किसी कोई दिक्कत ना हो। हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। सर, आपके साथ क्या घटना हुई है वो बताइए। सर, हमारे साथ यही घटना हुई कि कोई सुनने के लिए नहीं आया। स्टाफ नर्स बोली चलो यहाँ के लेके जाओ, हमको कहीं दूसरे जगह रिफ़र कर दिया गया। मेरी माँ मरने के कगार पर आ गई तो रिफ़र बना दिया गया। हमने कहा सर पल्स देख लीजिए, बीपी देख लीजिए उनकी, यहाँ इतना टाइम नहीं, रोज़ लोग मरते हैं, तुम्हारी माँ मर जाएगी तो क्या हुआ। बदतमीजी से बोला आपके चोटें कैसे हैं। चोटें जब हमने बोला कि डॉक्टर साहब मेरी माँ है, आपकी माँ है, इस तरह बोला साले हम अभी तुमको खन के गाड़ देंगे, रुको बताते हैं। हम बोले गाली ना दीजिए। वो लोग 10-20 लोग आए और राड लाठी डंडा जानलेवा हमला कर दिया हमारे ऊपर, हमारे भाई के ऊपर हमला कर दिया, हमारी जो है तो बहनें दो थी उनके ऊपर हमला कर दिया, बदतमीजी किया, दो दो मोबाइल हमारी छीन ली, मतलब अमानवीयता, सारी अमानवीयता एकदम। आपका परिचय? मेरा नाम सरफराज अली है और मैं जो है तो इनका छोटा लड़का हूँ, जो हमारी माता की मृत्यु हो गई। वहीं इससे नाराज अस्पताल कर्मचारियों ने तीनों भाइयों की जमकर पिटाई कर दी और धरने पर बैठ गए। आज रात में करीब 2-3 के बीच में कुछ एक मरीज लेके आए, तो कुछ पुलिस वाले लोग थे, उनके घर के मरीज थे आए, उन्हें उनके सेचुरेशन जो थे 20-30% के बीच में था। अब उनका जान बचाने के जानते कितना कठिन है, यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज नहीं, ना ऑक्सीजन है, ना कुछ व्यवस्था है, तो उनकी डेथ हो गई। अब उस पर उन्होंने हंगामा मचा दिया, हंगामा मचाते ही उन्होंने फिर अटैक कर दिया डॉक्टर को, जो स्टैंड होता है स्टैंड उठा के मार दिया, स्ट्रेचर उठा के मार दिया डॉक्टर से, किसी का सर फट गया, किसी की पीठ पे चोट लग गई। फिर उसके बाद वहाँ पर 4 पुलिस वाले भी मौजूद थे जो ड्यूटी पर लगाए गए थे सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा उनको बचा के और बार बार सब चिल्ला रहे थे कि उनके रॉड छीनिए उनके हाथ से, लेकिन कोई मारने नहीं गया। सर, कितने डॉक्टर्स इस पर चोटी हुए हैं? कम से कम 12 लोग, 12 लोग को चोट लगी। सर, डीएम साहब ने इस समय क्या बोला है? डीएम साहब से हम लोग यही मांगते हैं कि पहली चीज़ थी सिक्योरिटी, हाँ, जिससे हम लोग सबसे ज़्यादा सफर करें, हाँ, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो ज़रूरी व्यवस्थाएँ एकदम सिंपल सी व्यवस्थाएँ, ऑक्सीजन हो गया, स्ट्रेचर हो गया, इमरजेंसी ड्रग्स हो गई, अगर ये सब चीज़ें अगर हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी तो हमारे पास लड़ाई झगड़ी में होती नहीं रहेगी। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर सूर्यकांत कुशवाहा, ट्रामा सेंटर। जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आनंद फानंद में मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस हंगामा कर रहे डॉक्टरों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। जानकारी के मुताबिक मामला प्रयागराज के स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां पर प्रतापगढ़ में तैनात एक इंस्पेक्टर की मां भर्ती थी। बताया जा रहा है कि उनका सही से इलाज नहीं किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई, जिस डॉक्टरों और मरीज के परिजनों के साथ मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया और स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करा दी है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
वायरल करवाता हूँ, इनकी वजह से ये सब हुआ। आप लोग